तो हम लोग जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग में हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि जैसे टैनिक एसिड हो गया या फिर KMnO4 हो गया, तो ये सब जो लिक्विड होता है ऑक्सीडाइजिंग सॉल्यूशन है, तो ये क्या करते हैं ऑक्सीडाइज कर देते हैं। किसको ऑक्सीडाइज कर देंगे? पॉइजन को। ये पॉइजन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। तो ये सब टैनिक एसिड, KMnO4, आयोडीनेटेड वाटर, ये भी क्या कर, ये भी ऑक्सीडाइडेड सॉल्यूशन है, तो ये पॉइजन को ऑक्सीडाइज कर देंगे, मतलब ख़राब कर देंगे उसको पूरा। उसके बाद अगर हम लोग देखें ना, अगर हम लोग साइनाइड की पॉइजनिंग है तो उसमें हम लोग सोडियम थायोसल्फेट यूज करते हैं। और अगर जिसे अगर पॉइजन जो है इंटेस्टाइन में पहुंच गया ना, अगर पॉइजन इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो हम लोग उसमें परगेटिव देते हैं। क्या करता है ना, ये एक्सक्रीशन को इंक्रीज कर देता है, मतलब ये एक्सक्रीशन को क्या इंक्रीज कर देता है, जैसे बीसाकोडिल, जैसे हम लोग बीसाकोडिल ये भी हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटीडोट। तो एंटीडोट क्या होता है, जो पॉइजन को काउंटर अटैक करता है, मतलब उसके अगेंस्ट काम करता है। जैसे फिजिकल एंटीडोट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल एंटीडोट। तो इसमें सबसे पहले जैसे क्या आ गया अपना बनाना आ गया, और डेमुलसेंट, अगर कुछ डेमुलसेंट होते हैं, डेमुलसेंट मतलब जैसे अपना घी हो गया, जैसे जितना भी ऑयल हो गया, जैसे घी हो गया अपना, बटर हो गया, बटर में भी घी हो गया, एग हो गया, दूध हो गया, तो घी, दूध, बटर, एग, ये सब भी हम लोग उसमें यूज कर सकते हैं। ये अपना एक और अपना कौन सा है, ये हो गया, इसके बाद अपना जो है एक्टिवेटेड चारकोल भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं जो कि स्ट्रेचनिन पॉइजनिंग में बेसिकली काम करता है, स्ट्रेचनिन पॉइजनिंग में। अब इसके बाद हम लोग है फिजिकल के बाद केमिकल। तो केमिकल आसान होता है, केमिकल पॉइजनिंग। तो केमिकल में क्या होता है, जैसे एसिड को कौन मारता है, अल्कली, तो एसिड में हम लोग अल्कली पॉइजनिंग यूज करते हैं। एसिडिक पॉइजनिंग में अल्कली यूज करेंगे, और अल्कली पॉइजनिंग में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, एसिड यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल H2SO4 की पॉइजनिंग है, तो उसमें हम लोग क्या देंगे, MgO2 हम लोग उसमें देते हैं। उसके बाद अपना एंटीडोट हो गया, उसके बाद अपना फिजिकल, केमिकल, और उसके बाद एक रिसेप्टर एंटीडोट होता है। रिसेप्टर इसमें क्या करता है, रिसेप्टर को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। जैसे मॉर्फिन की पॉइजनिंग है,